सबसे पहले सोमवार को उदयपुर में दिन दहाड़े हुए अपहरण के एक मामले की, जिसका खुलासा हुआ तो कई चौंकाने वाला राज सामने आए। और यहां सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये रही कि जिस जगह पर बदमाशों ने एक बुजुर्ग के अपहरण किया, वहां से चंद कदमों की दूरी पर ही पुलिस चौकी भी है। और जब अपहरण की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तो पब्लिक भी तमाशबीन बनी हुई थी। लेकिन अब दूसरे दिन इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कई राज भी सामने आए हैं। रिपोर्ट उदयपुर से। दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर शहर में सोमवार शाम दिन दहाड़े हुई एक अपहरण की घटना ने सनसनी फैला दी। आश्चर्य तो तब हुआ जब यह घटना उदयपुर पुलिस चौकी से महज 100 मीटर दूरी पर हुई, लेकिन अपराधियों को नहीं पकड़ा जा सका। मौके पर दर्जनों तमाशबीन इकट्ठे हो गए। कोई अपने मोबाइल से इस वारदात को कवर कर रहा था तो कोई उस कार के करीब आकर बुजुर्ग के साथ हो रही मारपीट का गवाह बन रहा था, लेकिन किसी ने भी उस वृद्ध को बचाने या पुलिस को बुलाने की कोशिश नहीं की। बहरहाल जैसे ही वारदात के वीडियो जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे सोशल मीडिया पर वायरल हुए तो आरोपियों की शिनाख्त भी हो गई। बांसवाड़ा के करीब जैसे ही पीड़ित बुजुर्ग ने अपना मोबाइल मौका पाकर ऑन किया तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई और सदर थाने की पुलिस ने आखिरकार आरोपियों को पकड़कर बुजुर्ग को रिहा करवाया। पुलिस की मुखबरी एक वृद्ध को इतनी भारी पड़ी कि दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया गया। ये होटल सरुति विलास है, यहाँ पर वृद्ध रुका हुआ था और जैसे ही अपनी स्कूटी लेके वो यहाँ आया, उसका पीछा कर रहे तीन आरोपियों ने उसे कार के अंदर डाला और उसको पकड़कर यहाँ से ले गए। इसी सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात पूरी रिकॉर्ड हुई थी। करीब एक मिनट तक यहाँ पर यह घटनाक्रम चला। यहाँ पर पुलिस चौकी जो है, यातायात पुलिस चौकी सिर्फ 100 मीटर दूरी पर है। 15 से 20 पुलिस के जवान यहाँ पर दिन भर रहते हैं, लेकिन किसी ने इसे रोकने का प्रयास नहीं किया। आपको बता दें कि शहर के सूरजपुर थाना इलाके में स्थित होटल सर्वऋतु विलास में गुजराती कारोबारी रुका हुआ था। वो हमेशा इसी होटल में आकर रुकता और अपना कारोबार यहीं से चलाता था। सोमवार को वो स्कूटी से जैसे ही होटल के बाहर पहुंचा, एक सफेद रंग की बिना नंबर की कार में सवार होकर आए तीन बदमाशों ने जबरन उसकी पिटाई करते हुए कार में टालकर फरार हो गए। यह पूरा सनसनीखेज मामला होटल के बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सूरजपुर थाना क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस के हेडक्वार्टर से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई इस घटना में जिस बुजुर्ग को अपहरण कर ले जाया गया वो गुजरात के नरोड़ा का रहने वाला है और जिसका नाम सूरज नारायण शर्मा है। बताया जाता है कि करीब 4 से 5 दिन पहले ये कारोबारी उदयपुर आया था और 3 दिनों से होटल सर्वऋतु विलास में रुका हुआ था। सूरज नारायण आबकारी विभाग की नीलामी की गाड़ियों को खरीदने का काम करता था और महीने में एक या दो बार उदयपुर आता था। वहीं सूरज नारायण पुलिस के लिए मुखबिरी भी करता था, इसी वजह से उसे पता रहता था कि आबकारी महकमे में कौन सी गाड़ी कब नीलाम होगी। सूरज नारायण जब अपने किसी परिचित की स्कूटी लेकर होटल के बाहर पहुंचा तो पहले से उसका पीछा कर रही एक बिना नंबर की बैलोनो गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसमें सवार दो युवकों ने नीचे उतार कर बुजुर्ग के साथ मारपीट शुरू कर दी। सूरज नारायण को मारपीट करते हुए चावरन कार में डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हुए तो तीसरा युवक भी कार से निकला और आरोपियों की मदद करने लगा। महज 1 मिनट तक चली इस वारदात के दौरान बदमाश बुजुर्ग का अपहरण कर मौके से फरार हो गए और दर्जनों लोग पूरी तरह मूक दर्शक बनकर इस घटनाक्रम को सिर्फ देखते रहे। आखिरकार पता चला कि 3 में से 2 आरोपी बांसवाड़ा इलाके के हैं। उदयपुर पुलिस की खबर पर बांसवाड़ा पुलिस ने भी पूरे जिले में नाकाबंदी कर ली। 2 जगह से तो दूर से ही नाकाबंदी देख बदमाश दूसरे रास्तों से अपनी मंजिल तक जाने लगे। इस बीच सदर थाना पुलिस की नाकाबंदी से आरोपी बच नहीं पाए और आखिरकार उनका मिशन फेल हो गया। वृद्ध का जो अपहरण हुआ था उस वाले मामले में जो वारदात में लिप्त तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में प्रयुक्त जो वाहन है उसको भी जब्त कर लिया है।
शाहिद मंसूरी नाम का बांसवाड़ा का रहने वाला है, वो भी गाड़ियों की खरीद फरोख्त का काम करता है। और ये जो पीड़ित है सूरज नारायण शर्मा, ये भी आबकारी विभाग वगैरह की नीलामी की गाड़ियों की खरीद फरोख्त का धंधा करता है। उनके कोई पैसों का विवाद प्रथम दृष्टिया सामने आया है, अभी अनुसंधान किया जा रहा है। अपरार्थी का कहना है कि 10 लाख रुपये मांग रहे हैं, इस बात को लेकर इनके चल रहा है, तो इस बात को लेकर ये वारदात की है, इस तरह की जांच प्रारंभिक आई है, पूछताछ की जा रही है। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी श्रीराम फाइनेंस कंपनी में सीजिंग का काम करते थे और बुजुर्ग का करीब 25 लाख रुपए का लोन भी बकाया था। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी में यह भी खुलासा हुआ है कि एक आरोपी के रिश्तेदार को नारकोटिक्स में पकड़वाने में मुख्य भूमिका इसी बुजुर्ग की रही थी, जो इसने गुजरात पुलिस में मुखबिरी कर उसे गिरफ्तार करवाया था। उसका बदला भी आरोपी लेना चाहता था और मध्य प्रदेश में ले जाकर बुजुर्ग को ठिकाने लगाने की साजिश भी तीनों आरोपियों ने रच डाली थी। इस वारदात को दर्जनों राहगीरों ने देखा, कई राहगीर यहाँ पर रुक गए, लोगों ने यहाँ पर क्यार के अंदर तक जाग के देखा, लेकिन किसी ने इस वारदात को रोकने का प्रयास नहीं किया। बांसवाड़ा में जैसे ही वृद्ध ने अपना फोन चालू किया, लोकेशन ट्रेस हुई और बांसवाड़ा की पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। तो कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि उदयपुर पुलिस की कमी यहाँ पर कई सवाल खड़े करती है। कैमरा पर्सन कुलदीप सिंह गहलोत के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए मनु राव।